नमस्कार दोस्तों, वेवन विद हरिओम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना के बारे में। ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जिससे इससे बनने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसान अनुकूल पहलों को बढ़ावा देने के साथ साथ अन्नदाता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए एक नई अम्ब्रेला योजना, कौन सी योजना? अम्ब्रेला योजना, इम्पोर्टेंट है ये अम्ब्रेला योजना, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना। क्या है ऑब्जेक्ट? उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना इसका ऑब्जेक्ट है। इसकी घोषणा वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में किया गया। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा और। चलिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP बढ़ाना पर्याप्त नहीं है और यह अधिक महत्वपूर्ण है कि किसानों को घोषित MSP का पूरा लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है, यदि बाजार में कृषि उपज का मूल्य MSP से कम है तो वैसी स्थिति में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को या तो इसे MSP पर खरीदना चाहिए अथवा कुछ ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे किसी अन्य व्यवस्था के जरिए किसानों की MSP सुनिश्चित कर दी जाए। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने 3 उप योजनाओं के साथ अम्ब्रेला योजना पीएम आशा को मंजूरी दे दिया है। ठीक है, नई अम्ब्रेला योजना में किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने की व्यवस्था शामिल है और इसके अंतर्गत 3 उप योजनाएँ समाहित है। कौन कौन सी है? मूल्य समर्थन योजना। क्या है? मूल्य समर्थन योजना, मूल्य न्यूनता योजना, निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट पायलट योजना। ये 3 योजना इसके अंतर्गत शामिल है। मूल्य समर्थन योजना की बात किया जाए, इस योजना के तहत राज्य सरकारों की सक्रिय सहयोग से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा दालों, तिलहन और गरी की भौतिक खरीदारी की जाएगी। नेफेड, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड को क्या बोला जाता है? साथ जो है शॉर्ट में निफेड बोला जाता है। ठीक है, नेफेड के अलावा भारतीय खाद्य निगम, जिसे शॉर्ट में FCI बोला जाता है, भी राज्यों जिलों में PSS परिचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे। खरीद पर होने वाले व्यय और खरीद के दौरान होने वाले नुकसान को केंद्र सरकार मानकों के मुताबिक क्या करेगी? इसको वहन करेगी। क्लियर हो गई बात? अगर इसे रिलेटेड कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट करें, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।